पंजाब केसरी डॉट कॉम और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। तुर्की और पड़ोसी देश सीरिया में चारों तरफ तबाही का मंजर बना हुआ है। यह तबाही अब तक की सबसे बड़ी तबाही मानी जा रही है। इस भयानक तबाही ने दुनिया भर के लोगों को डरा दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक भूकंप ने सीरिया की तस्वीर को तहस नहस कर दिया। सोशल मीडिया पर भूकंप से हुई तबाही का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिन्होंने लोगों का दिल झकझोर कर रख दिया है। मंजर ऐसा हो गया है कि कई लोग मलबे में दबे हैं, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। इस भयानक घटना का शिकार एक नवजात बच्चा भी हुआ है। चीख पुकार के बीच मलबे में फंसी एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया। इस माँ की मलबे में दबकर मौत हो चुकी है, लेकिन इस दौरान उसने बच्चे को जन्म दिया। तबाही के मंजर के बीच बच्चे ने जन्म लिया। अभी वो पैदा ही हुआ था कि उसने इस मंजर को देखा और अपनी माँ को भी खो दिया। इस तरह की आ रही खबरों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस बच्चे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीम के लोग मलबे से बच्चे को बाहर लेकर जा रहे हैं। बता दें, रेस्क्यू टीम मलबे से लोगों को निकालने का काम कर रही थी। इतने में ही बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद ही मलबे से नवजात बच्चे को निकाला गया और सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। इस बात का पता नहीं चल सका कि उसके परिवार से कोई बचा है या नहीं। यह केवल एक ऐसा वीडियो नहीं है, बल्कि तमाम ऐसे वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई लाशें अब भी मलबे में दबी हैं। हर तरफ लोग अपनों की तलाश में हैं। एक दिन पहले जो लोग अपने परिवार के साथ हंस खेल रहे थे, आज उनके परिवार उजड़ गए हैं। चारों तरफ मौत का तांडव है। मलबे से निकलती लाशों के साथ ही मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। अब तक तुर्की और सीरिया में 4,365 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे को लेकर तुर्की के उपराष्ट्रपति फुअत ओक्टे का कहना है कि देश को अभी और मरने वालों की संख्या बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि मरने वालों की संख्या कितनी हो सकती है। तुर्की सीरिया में हुई तबाही के बीच भारत मदद के लिए आगे आया है। इस विनाशकारी भूकंप को लेकर पीएमओ में बैठक हुई, जिसके बाद पीएम मोदी के निर्देश पर एनडीआरएफ की दो टीमें तुर्की के लिए रवाना हुई हैं। इसके साथ ही तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा गया है। यहाँ खराब मौसम के चलते सहायता टीमों के लिए भी चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।